हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टॉक विद मलिक। दोस्तों, अगर आप लोग को स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो जल्दी से अपने गुल्लक के फोड़ो और अपने पैसे गिनने स्टार्ट कर दो, क्योंकि अप्रैल के महीने में एक से एक फाड़ू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं जो आते ही मार्केट में तहलका मचा देंगे। बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अप्रैल के महीने में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों, लिस्ट में पहला नाम है वीवो की X90 सीरीज का। और अगर आप लोग कोई कैमरा सेंट्रिक फोन देख रहे हैं तो ये मॉडल आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाला है। पिछले कुछ टाइम में वीवो ने अपने गिम्बल और जीज के कॉम्बिनेशन के साथ में मार्केट में बहुत तहलका मचाया है। कैमरे के साथ परफॉर्मेंस भी आपको बहुत जेन्युइन मिलने वाली है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट में यूज़ किया गया है। 6.78 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड स्क्रीन मिलेगा। 12GB रैम, 256GB स्टोरेज। बैक साइड में आपको चार कैमरे मिलने वाले हैं, 50, 64, 50, 48 मेगापिक्सल के साथ में, और फ्रंट कैमरा को 32 मेगापिक्सल का। बैटरी मिलेगी 4700mAh की 80W की चार्जिंग के साथ। दोस्तों, इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 90,000 रुपये के आसपास में, लेकिन जिन लोगों ने पहले वीवो की एक्स सीरीज के फोन यूज़ किए हुए हैं वो इसकी परफॉर्मेंस को जानते हैं, और मेरी नज़र में ओप्पो के फाइंड N2 फ्लिप से तो कहीं ज़्यादा बेटर डील होने वाली है। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है वीवो की X90 सीरीज के दूसरे मॉडल X90 प्रो का, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 9200 का प्रोसेसर मिलेगा। 6.78 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड स्क्रीन मिलेगा। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ में। बैक साइड में आपको तीन कैमरे मिलेंगे, 50, 50 और 12 मेगापिक्सल के साथ में, जबकि फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का ही होगा। तो दोस्तों, मुझे तो सीरीज के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार है। अगर आप लोग भी इसका वेट कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, Asus का ROG फोन 7 लॉन्च होने वाला है। 6.8 इंच का 165Hz एमोलेड पैनल के साथ में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 परफॉर्मेंस मिलेगी। 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप और 6000mAh की बैटरी। इसके अलावा आप लोगों को इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम और गेमिंग ट्रिगर बटन तो मिलने ही वाले हैं, इसीलिए इसको स्मार्टफोन का हल कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, एक टाइम था जब रियलमी हर दूसरे तीसरे महीने में अपना कोई ना कोई स्मार्टफोन लॉन्च करते रहता था, और वो काफ़ी अच्छे लेवल पर मार्केट में ट्रेंड करते थे। काफ़ी टाइम के बाद में रियलमी की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि रियलमी का GT3 लॉन्च हो सकता है। 6.74 इंच का फुल HD प्लस 144Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 या फिर स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 इसमें आपको मिल सकता है। कैमरा आपको इसमें मिलेगा 50 मेगापिक्सल के साथ में, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोपिक लेंस, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा होगा, 4600mAh की बैटरी होगी, चार्जिंग मिलेगी 240W की। दोस्तों, मेरा रियलमी से सिर्फ एक सवाल है कि मुझे इस बंदे के बारे में जानना है जो आपसे 240W की फास्ट चार्जिंग की डिमांड कर रहा है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो मैंने पहले भी एक बार बात बोली थी, लोग सीधा खंभे पर तार डालेंगे, अपने फोन में लगाएंगे, फोन चार्ज करके वापस चले जाएंगे। दोस्तों, अप्रैल के महीने में ओप्पो अपनी रेनो 10 सीरीज लॉन्च कर सकता है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि रेनो की 8 और 8 प्रो सीरीज लॉन्च हुई थी, इसके बाद में 8T आया था। अभी इन्होंने 9 को स्किप करके सीधा 10 सीरीज लॉन्च करने का फैसला किया है। इसमें क्या फीचर्स होंगे इस बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों, मार्केट में जो नथिंग फोन 1 लॉन्च हुआ था तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी इसके डिज़ाइन को लेकर। अब इसका सक्सेसर मॉडल नथिंग फोन 2 जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 प्रोसेसर, 6.67 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज और ट्रिपल रियर कैमरा 50, 50 और 50 मेगापिक्सल के साथ। फ्रंट कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, 5000mAh की बैटरी, चार्जिंग आपको मिलेगी 66W की। एक्सपेक्टेड प्राइस का 40,000 रुपये के आसपास हो सकता है। देखते हैं कि इस बार नथिंग फोन क्या नया लेकर आता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं वन प्लस की सबसे तकड़ी मिड रेंज किलर नोट सीरीज के बारे में। यहाँ पर आपको वन प्लस नोट CE 3 लाइट देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको मिलेगा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695, 6.7 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और ट्रिपल रियर कैमरा 50, 8 और 2 मेगापिक्सल के साथ। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा। बैटरी आपको इसमें मिलेगी 5000mAh की 80W की चार्जिंग के साथ। दोस्तों, वन प्लस की नोट सीरीज इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अपने प्राइस सेगमेंट के आसपास में किसी भी स्मार्टफोन को टिकने नहीं देती है। तो देखते हैं कि फाइनली कब तक हमारे हाथ में नोट CE 3 लाइट मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं पोको F5 के बारे में। कुछ टाइम पहले पोको इंडिया ऑफिशियल्स की तरफ से भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा था द किंग इज़ बैक। अब देखते हैं कि ये किंग कब तक हमें इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो पाता है। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 120Hz का OLED पैनल इसमें आपको मिलेगा। स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 प्रोसेसर में आपको मिलने वाला है, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरे के साथ में। इसके बाकी फीचर जो भी अवेलेबल होंगे वो जल्दी आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।